है मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम मनोज मेहरा, मेरे चैनल का नाम योग और निरोग, जो कि प्रसारित होता है यूट्यूब पर, जिसमें हम बताते हैं विभिन्न बीमारियों का इलाज, जिसका योग के द्वारा हम जड़ से सफाया कर सकते हैं, परंतु विभिन्न पैथियों में, जैसे कि एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक आदि में इलाज संभव ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। इस पर सभी बीमारियों का योग के द्वारा इलाज, योग के द्वारा निदान, योग के द्वारा जड़ से सफाया बताया जाता है। अभी जो लोग रेगुलर मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग लगातार देख रहे हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए योगा, जो लोग 40 वर्ष से ऊपर हैं, उनको हम योग के द्वारा विभिन्न बीमारियों का समाधान बता रहे हैं, ताकि वो अपनी आयु बढ़ने के साथ बीमारियों से ग्रसित ना हो, अपनी आयु बढ़ने के साथ उन लोगों को किसी भी प्रकार की औषधों की आवश्यकता ना हो। इस प्रकार के हमने योग पर पूरा एक योग की सीरीज बनाई हुई, जिसमें 13 पार्ट लगभग हो चुके हैं, और उसमें विभिन्न प्राणायाम, विभिन्न शरीर के अंगों के सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन बताए गए हैं, ताकि वो एक रोज 90 मिनट का पैकेज बनाकर प्रतिदिन अपनी योगचर्या में उन सभी को मिलाकर शामिल कर ले, तो वो जीवन पर्यंत निरोग रह सकते हैं, उनको औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। यदि अभी बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो वो स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे बिना चिकित्सक की मदद के, बिना किसी औषधि के लेने के। कल मैंने आपको बताए थे कमर के बल लेटकर किए जाने वाले 3 आसन, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पेट के बल लेटकर किए जाने वाले 3 आसन, ताकि आपका पेट, आपकी कमर और आपके जो और भी हमारे अंग इन आसनों में प्रयुक्त होंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, जैसे कि हाथों की, जैसे कि पैरों की, जैसे कि जंघाओं की, पेट की चर्बी कम हो, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, रीढ़ की हड्डी के दर्द दूर हो, रीढ़ की हड्डी में और कोई समस्या वो दूर हो। इस प्रकार के 3 आसन मैं आज पेट के बल लेटकर बताने वाला हूँ। जिससे पहले कि मैं आपको ये आसन बताने शुरू करूँ, उससे पहले मैं अपना संकल्प दोहराना चाहता हूँ, जो कि मेरे टीम का संकल्प है, मेरा संकल्प है और मेरे खून के रग रग में बस गया है, जिसके लिए मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपको अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य है, हमारा एक स्वप्न है, हमारी एक दृष्टि है, यह हमारा संकल्प है कि हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र निरोग हो, हमारे राष्ट्र में कोई भी बीमार ना हो, सभी स्वस्थ रहें और बिना किसी औषधि के मदद के रहें और बिना किसी चिकित्सक की मदद के रहें। इसी के लिए आपसे सिर्फ एक हाथ जोड़कर इतना अनुरोध है, आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को अपने रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों के घर घर पहुंचाएं, ताकि वो लोग इन वीडियोस को देखकर अपनी बीमारियां, अपनी समस्याएं दूर कर सकें, अपनी व्याधियों का निदान प्राप्त कर सकें, उनको किसी चिकित्सक की आवश्यकता ना हो, उनको किसी वैद्य की आवश्यकता ना हो, उनको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो किसी औषधि की लेने की जरूरत ना महसूस हो, उन्हें किसी भी प्रकार की दवाइयों की जरूरत ना महसूस हो। इसलिए आप मेरे इस चैनल को, मेरे इन वीडियोस को सभी के साथ शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप पर करें, चाहे शेयर आप फेसबुक पर करें, चाहे इंस्टाग्राम पर करें, चाहे लिंक्डइन पर करें, जो भी आप शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, उन पर सभी के पास पहुंचाएं, ताकि हमारा राष्ट्र निरोग बन सके, उसको, राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की व्याधियों से ग्रसित ना होना पड़े, किसी भी प्रकार की दवाइयों की, औषधियों की, चिकित्सक की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए आप हमारी मदद करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए इसको लाइक कर दें, और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कॉर्नर में रेड बटन आता है, वहाँ पर लिखा होता है सब्सक्राइब हियर, और एक उसके बराबर में बेल का आइकन बना होता है, उसके ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी नया वीडियो अपलोड हो। यह मैंने आपसे अपना विनम्र अनुरोध किया, आप मेरी सहायता करें। अब मैं आपके लिए आज का वीडियो प्रारंभ करता हूं। आज के वीडियो में मैंने बताना है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, जिसमें कि एक शलभासन बताऊंगा मैं, उसके कुछ 2-3 प्रकार होते हैं, एक भुजंग आसन बताऊंगा और एक मकर आसन बनाऊंगा और एक धनुर आसन बताऊंगा, जो कि बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही कामयाब आसन है, आपके पेट की कमर की सभी समस्याओं को दूर करते हैं। यदि समस्या है तो दूर हो जाती है, यदि समस्या नहीं है तो जीवन पर्यंत कोई समस्या इस अंगों से संबंधित होने वाली नहीं होती है। और आपको ये जो आसन है करने चाहिए हमेशा खुले स्थान पर, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में वायु, ऑक्सीजन का प्रवाह उपलब्ध हो, चाहे घर पर करें, चाहे छत पर करें, चाहे टेरेस में करें, चाहे गार्डन में जा करें, आपका पेट खाली हो,
आप टॉयलेट जाकर होकर आएं, तभी इन आसनों को करें, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। और साथ ही साथ खाने पीने का सावधानियां बरतें। यदि हम गंद खाते रहेंगे, कूड़ा खाते रहेंगे, खराब चीज़ें, गलत चीज़ें खाते रहेंगे, तो हमें योग भी कोई मदद नहीं कर पाएगा और हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए योगा का पैकेज की जो 14वीं आज कड़ी है, 14वीं एक्सरसाइज का पार्ट है, उसके लिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पेट के बल लेटने पश्चात हम अपने हथेलियां आसमान की ओर होंगी और जंघाओं के नीचे देंगे। छोटी हमारी जमीन से लगी रहेगी और हम श्वास भरते हुए एक एक पैर को उठाएंगे। पैर बिल्कुल खिंचा हुआ तना हुआ रहेगा, घुटने मोड़ेंगे नहीं, पंजे बाहर की तरफ निकले हुए होंगे। श्वास भरेंगे, ठोड़ी हमारी जमीन पर चिपकेगी, पूरा शरीर जमीन पर चिपका रहेगा। सिर्फ हम इस प्रकार से पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, जितना सहजता के साथ उठ जाएगा। श्वास भरते रहेंगे और इसको खींचते रहेंगे, बिल्कुल घुटना मुड़ेगा नहीं। आप जितना सहजता के साथ उठा पाएंगे उतना उठाते ले जाएंगे और फिर उसको रोक के रखने का प्रयास करेंगे। 30 सेकंड तक तो हमें रोकने का प्रयास अब करना ही चाहिए और अगर हम ज़्यादा कर पाए तो बहुत बेहतर है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते नीचे ले आएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, इसी प्रकार से श्वास भरते 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 ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर आप ले जा सकते हो, चाहे 30 डिग्री पर ले जाएं, चाहे 60 डिग्री पर ले जाएं, चाहे 75 अंश के कोण तक ले जाएं, इसको सहजता के साथ ले जाएंगे, कहीं भी जोर जबरदस्ती का कार्य नहीं करेंगे और धीरे धीरे वापस ले आएंगे। इस दोनों पैरों से बदल बदल कर हमें 5 से 7 बार तक प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। एक बार बायां पैर करेंगे, एक बार दायां पैर करेंगे, जितना अधिकतम ले जा सके ले जाएंगे। ऊपर ले जाते हुए श्वास भरेंगे, नीचे लाते हुए श्वास छोड़ेंगे, कुछ देर रोक के रखने का प्रयास करेंगे, प्रारंभ में नहीं रुक पाते हैं तो एकदम वापस ले आएंगे। फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, ध्यान रखेंगे घुटने मोड़ने नहीं है, पैर बिल्कुल सीधे खींचे हुए ऊपर की तरफ, पूरा कमर के ऊपर दबाव महसूस करेंगे, पैरों का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है आपका, नीचे की तरफ आपको आता हुआ महसूस होगा। जितना देर अधिकतम रोकने का अभ्यास कर पाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा और फिर धीरे धीरे वापस ले आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर रोकना है, 30 सेकंड आपके लिए पर्याप्त होता है। इसकी आवृत्ति भी दोनों बार वाले की आपने 3 से 5 बार करनी है, पर्याप्त है। उसके पश्चात सेकंड पार्ट करेंगे हम इसका, उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, कमर के ऊपर रखेंगे और अगले हिस्से को उठा देंगे श्वास भरते हुए, इस प्रकार से आसमान देखना प्रयास करेंगे। इस अवस्था में भी हम 30 सेकंड से लेकर 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। पूरी इस कमर में यहां पर आपका घुमाव महसूस करेंगे। तीन बार से पांच बार तक इस आसन का भी अभ्यास करेंगे हम। इसी में अगर हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है और ज्यादा हमें, तो पीछे से इन टखनों को पकड़ लेंगे, ये धनुरासन बन जाता है, आगे से उठ जाएंगे, पीछे से उठ जाएंगे। इसी में हम झूल भी सकते हैं, ऐसे आगे पीछे हिल भी सकते हैं। और इसी में हम बाएं दाएं भी झूल सकते हैं, इसको हम बेलन आसन कहते हैं। पूरा एक तरफ जाएंगे, पूरा सिर पैर जमीन पे लगेंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा आसन है, पेट के हर अंग की मसाज हो जाती है आपकी। अब हमने करना है भुजंग आसन। भुजंग आसन में हम क्या करेंगे, हथेली हमारी कंधों के नीचे होंगी, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, कमर में खिंचाव महसूस होगा, नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठेगा और आसमान को देखने का प्रयास करेंगे। तीस सेकंड से 60 सेकंड तक इसी अवस्था में रुकने का प्रयास करेंगे, फिर श्वास को छोड़ते छोड़ते नीचे ले आएंगे। तीन बार इसी क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे जाएंगे।
इसी का अगला स्टेप करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन में हमें क्या करना होता है, पीछे से पैरों में 1 फीट का फासला कर देना होता है और जब हम ऊपर उठते हैं तो फिर बाएं कंधे के ऊपर से अपनी गर्दन को घुमाते हैं और दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं बात को, जब हम भुजंगासन में पूरे पोजीशन में आ जाएंगे उसके पश्चात हम कंधे के ऊपर से अपनी गर्दन को घुमाएंगे और पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे क्रॉस में, ताकि हमारी आंखों की एक्सरसाइज हो जाती है। श्वास भरते हुए ऊपर उठते हैं, और गर्दन को ऐसे घुमाते हैं, कंधे के ऊपर से ले जाते हैं, दूसरी तरफ के पैर को, अगर हम बाईं तरफ से गर्दन को घुमा रहे हैं तो दाईं तरफ के पैर को देखने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस लाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर गर्दन को दाईं तरफ से घुमाएंगे, बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। इसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन। उसके पश्चात हम अंत में करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है हमारा शरीर, मकर आसन। मकर आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, और यदि आप टीवी देखते हैं और आपको साइटिका का दर्द है, गर्दन का दर्द है, तो आप टीवी देखते देखते इस आसन को कर सकते हैं। दोनों हथेलियों का स्टैंड बनाएंगे, कोहनी को मिला लेंगे पास में, ठोड़ी के नीचे लगाएंगे और एक एक पैर को ऐसे करके अपने हिप से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे, पैर पीछे लाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे। बीस बार से लेके 50 बार तक इसकी जगह करते हैं। कमर में बहुत आराम मिलता है, कमर दर्द में, गर्दन में कोई समस्या दूर हो जाती है, और दोनों पैरों से भी करते हैं इसको हम। प्रारंभ में अगर आपकी एड़ियां आपके हिप से नहीं लग पाती हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करते रहते हैं, धीरे धीरे लगने लगता है। पेट का भी बहुत जबरदस्त व्यायाम होता है इस क्रिया में। बस ध्यान आपने क्या रखना है, ये आपकी जो कोहनियां इनको मिला के रखना है और पैर को चलाते रहना है। कुछ लोग कोहनी ऐसे ऐसे रख लेते हैं, वो कामयाब नहीं होता है, उसमें पूरा हमारी पूरी जो है बॉडी पूरी वर्कआउट का हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आपको मैंने आज जो बताए, एक शलभासन के अभ्यास बताए, एक आपको शलभासन के बाद मैंने आपको बताया आज, दूसरे नंबर पे बताया था मकर आसन बताया, ये मकर आसन के अभ्यास हैं, एक आपको भुजंग आसन मैंने बताया और एक आपको धनुरासन बताया। ये आसन आपकी कमर और पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, इनका प्रतिदिन अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, और जितना आपके शरीर की क्षमता उसी हिसाब से आसन करते हैं, अधिक नहीं करते हैं, दबाव नहीं डालते हैं, श्वासों का हमेशा इन आसनों में ध्यान रखते हैं। ये सीरीज रह गई है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं मित्रों, क्योंकि आपको पेट के बल लेटने वाले आसन आज मैंने बता दिए हैं। अब मैं आपको कल बताऊंगा समाप्ति में जो आप आसन करने होते हैं उनको, एक दो आसन जैसे कि सिंहधार कर लेते हैं हम अंत में, जैसे कि हम ताली बजा लेते हैं अंत में, जैसे कि हम हास्यासन कर लेते हैं अंत में, और शवासन कर लेते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। उसके पश्चात मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, आपसे वादा किया हुआ है कि अंत में मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, आपने क्या खाना है सारा दिन, क्या नहीं खाना है जिनसे आपको नुकसान होगा, क्योंकि तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने पीने की समस्या या अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पता नहीं होता है, और वो योग तो करते हैं सुबह को पर उनको लाभ नहीं हो पाता है। तो मैं फिर कुछ ऐसे भी आपको आसन और योगाभ्यास बताऊंगा ताकि आपको दिनचर्या, योगाभ्यास नहीं बताने वाला हूँ, गलत बोल गया हूँ मैं, आपको ऐसे खाने पीने का व्यवस्था, आपकी टाइमिंग्स और
कुछ जो नहीं खाना है और जो कुछ खाना है वो सभी कुछ मिलाकर एक वीडियो और बनाऊंगा अंत में, जिसमें आपकी खाने पीने की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप योग अभ्यास जो सुबह को रोज करेंगे उसके पश्चात आपका कोई भी नुकसान दिन में ऐसा नहीं होगा कि आपने योगाभ्यास से अपने शरीर को फिट किया और दिन में आपने खाना खा लिया और आप परेशान हो गए। इस प्रकार से हम अब अगली 2-3 किश्तों में इस सीरीज को पूरा कर लेंगे और उसके पश्चात कुछ नया सोचेंगे। आपको कोई समस्या आती है कहीं भी किसी भी योगाभ्यास को करते हुए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हमारा योग और निरोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, चाहे फेसबुक, ट्विटर और किसी भी सोशल साइट्स के ऊपर, सभी जगह पर हमारा ये ग्रुप चल रहे हैं, हमारे चैनल चल रहे हैं, वहाँ पर आप कनेक्ट हो जाएं। आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। रोज योग करेंगे, निरोग रहेंगे, सभी को स्वस्थ करेंगे, सभी को निरोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।